हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर काउंसलिंग के स्टेप्स क्या रहने वाले हैं, उनकी डेट्स क्या है, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, मॉपअप कब होगा, सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के अंदर सीट अलॉट होने के बाद क्या होगा, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको वहां पे मिल गए होंगे। और कई लोगों को नहीं मिले हैं, वो लोगों ने मुझे कमेंट में, गूगल फॉर्म में, क्वेरीज के फॉर्म में भी पूछे हैं और हमने उसको रीड किया है और उसके रेस्पॉन्सेज ढूंढे हैं हमने। और उस रेस्पॉन्सेज के अंदर एक जो कॉमन एक आंसर, या फिर मैं कहूँ कि कॉमन एक क्वेरी जो मुझे एक फाइंड हुई, वो ये है कि वो सब एक ही बात पूछना चाहते हैं कि सर हमें जो चॉइस फिलिंग करनी है उसमें हमें प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रखना चाहिए। अब आप कहें, अगर मैं आपसे कहूं कि प्रायोरिटी ऑर्डर अगर आपको भरना है तो इसमें बहुत सारे फैक्टर वर्क करते हैं और ये फैक्टर जो है वो जब से रिजल्ट आया तब से चालू हो गए हैं। क्योंकि जब से ही रिजल्ट आया तब अपन लाइव में ले रहे हैं कि आपको ये कॉलेज मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, आपको झारखंड में मिल जाएगा। आपको पहला तो ये था कि आपके रैंक के आसपास आपके कौन से नंबर ऑफ कॉलेजेस के अंदर आप जा सकते हो, ये आपको पता लग गया है। अब आपको सेलेक्ट ही तो करना है कि मुझे इनमें से पहले प्रायोरिटी में क्या रखें और उसके बाद में कौन सी प्रायोरिटी रखें, करेक्ट। तो इसी चीज का आंसर देने के लिए मैंने आपके सामने कुछ एक चार्ट के फॉर्म में एक प्रायोरिटी ऑर्डर पेश किया है, उस चार्ट को आप देखिए। इसका सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप देखिए कि मैंने एक मान लीजिए कि जनरल स्टूडेंट है जिसको कोई कुछ नहीं पता है, वो एक अगर चॉइस फिलिंग करने जा रहा है तो वो आंख मीच के चॉइस फिलिंग कर सकता है इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अब इस ऑर्डर के अंदर जहां जहां पर डिबेट्स होंगी वो पॉइंट्स भी मैं बताऊंगा कि स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर ये बहुत अच्छा है बट हम यहीं रहना चाहते हैं, तो वो इसके हिसाब से शफलिंग कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं उसको, करेक्ट। बट एक बेसिक चॉइस फिलिंग प्रायोरिटी जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, आप सभी लोगों को वही चॉइस फिलिंग करनी है जो पीछे दी गई है। देखिए क्या है, सबसे पहले आपको एज सभी पता है कि एम्स न्यू दिल्ली रखना है। सेकंड पे जो नॉर्थ जोन के स्टूडेंट है वो मैमसी रखते ही हैं और साउथ जोन के जो स्टूडेंट्स हैं वो जिपमर रखते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा डिबेट होने वाला है मैमसी और जिपमर के अंदर। अब एक मेरा स्टूडेंट था जजरील, जो दमन एंड दीव से था, वो उसके पेरेंट केरला से बिलोंग करते हैं, तो वो कहता है कि सर मैं मैमसी जाऊं या जिपमर जाऊं, बेस्ट इंस्टीट्यूशन तो मैमसी से अच्छा कौन है, जिपमर है नो डाउट, बट सिटी वाइज और वहां का जो एनवायरमेंट है वो जिपमर से थोड़ा हैपनिंग है, तो लोग ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स वाले जो हैं वो चाहते हैं कि इसी क्लाइमेट जोन में बने रहे, इसलिए मैमसी को प्रायोरिटी मिलती है। और बहुत ज्यादा कैंडिडेट जो होते हैं वो टॉप रैंकर्स नॉर्थ इंडिया से जनरली देखे गए हैं, इस वजह से वो मैमसी जो है वो ऑक्यूपाई हो जाता है। इसलिए आप लास्ट ईयर का डेटा देखते हो तो आपको लगता है कि कॉलेज में ज्यादा कट ऑफ जाता है, मतलब कम रैंक में लोग ले लेते हैं, तो ये ज्यादा अच्छा रहता होगा। तो इस बार जब जिपमेर के साथ में इसका कंपटीशन हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूं कई सारे स्टूडेंट्स जो है मैमसी से ऊपर प्रायोरिटी देंगे जिपमेर को, इवन स्पेशली आंध्र प्रदेश, चेन्नई वाले जो लोग हैं, तमिलनाडु वाले और केरला और इधर कर्नाटका वाले या दमन एंड दीव वाले, जो साउथ जोन जो है वो उनके क्लाइमेट जो है वो हेल्दी एनवायरनमेंट उनको वहां पे लगता है और इंस्टीट्यूशन तो बढ़िया है ही, तो वो इसके ऊपर इसको प्रायोरिटी दे सकते हैं, करेक्ट। ये डिबेट हो गया। नाउ वेएमएमसी तो उसके बाद आता ही है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। यूसीएमएस और एफएमसी, यहां पर भी एक डिबेट होता है कि यूसीएमएस को प्रायोरिटी दें मैं वीएमएमसी के बाद में और या फिर एफएमसी को प्रायोरिटी दें। तो यहां पर देखो, जो कैंडिडेट एफएमसी के लिए, जो जिनका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो सर्विसमैन है या फिर हम कहें कि फौजी है, तो आप एफएमसी को प्रायोरिटी दे सकते हो, उनको वहां बेनिफिट्स हैं, ओके। अदरवाइज आपको पता ही है इनका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, तो नॉर्मल जो रैंक है उनको तो मिलना मुश्किल है ही है। जिनकी रैंक अच्छी है उनको कन्फ्यूजन अगर होता है, और जिनका फैमिली बैकग्राउंड अगर सर्विसमैन का है तो फिर वो एफएमसी जा सकते हैं, उनको वहां बहुत बेनिफिट है। अदरवाइज आप यूसीएमएस को प्रायोरिटी दें, करेक्ट। नाउ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज गर्ल्स को तो खैर देना ही है यूसीएमएस के बाद में। देन बॉयज की अगर बात करें तो यूसीएमएस या एफएमसी के बाद में केजीएमयू को प्रायोरिटी देंगे, देन आईएमएस बीएचयू को प्रायोरिटी देंगे, ओके। तो टॉप सेवन तक का स्टडी अपन ने कर लिया, उसके बाद देखो टॉप एट पॉइंट के ऊपर मैंने एक पॉइंट लिखा है, वो है टॉप कॉलेज ऑफ योर स्टेट। आपको नीचे दिख रहा होगा एम्स दिख रहे हैं, 9 नंबर से लेकर के 15 नंबर तक सभी एम्स का इसी ऑर्डर के अंदर ही प्रायोरिटी आपको रखना है कि पहले भोपाल, फिर भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, नागपुर, प्रायोरिटी इनका यही है। बट मैंने देखो आईएमएस बीएचयू के बाद में मैंने 8th के ऊपर आपको लिखा है कि आपके स्टेट का सबसे टॉप कॉलेज आपको इन सभी एम्स के ऊपर रखना है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लेना। इसके दो फायदे हैं,
पहला कि इन सभी से अच्छा कॉलेज होगा वो, फर्स्ट थिंग, इंस्टीट्यूशनल वाइज, ओपीडी वाइज, हॉस्पिटल वाइज, सभी वाइज। सेकंड, इनके अंदर भी पीजी सीट रिजर्व है और आपके स्टेट में भी आपका डोमिसाइल होगा तो 85% आप पीजी के लिए रिजर्व रहोगे, तो कंपटीशन में कहीं पर भी ये हारेगा नहीं। इसलिए इन सभी के ऊपर आपको प्रायोरिटी देनी है आपके टॉप कॉलेज को। जैसे एसएमएस, राजस्थान का कैंडिडेट है और अगर उसको एसएमएस मिल रहा है, लास्ट ईयर का कट ऑफ देख लिया होगा उसने, उसकी रैंक पे उसको लगता है कि हाँ यार मेरे को एसएमएस मिल सकता है, तो एसएमएस को प्रायोरिटी दें इनके ऊपर, करेक्ट। ऐसे सभी स्टेट को करना है, एमपी का है तो इंदौर को दो, एमजीएम इंदौर को प्रायोरिटी दो, करेक्ट। फिर बाद में आप इन्हीं ऑर्डर के अंदर एम्स को प्रायोरिटी दे दो, करेक्ट हो गया। इसमें कोई डिबेट नहीं होना चाहिए कि सर इसमें सर हम एम्स के अंदर ये भरें क्या। यहाँ पे आप शफलिंग कर सकते हो स्टेट वाइज, कैसे कि मान लो कि एम्स जोधपुर भरे और एम्स भुवनेश्वर में, तो राजस्थान का कैंडिडेट आप इसमें शफल कर सकते हो, एम्स जोधपुर जा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 19-20 का फर्क है बस इंस्टीट्यूशंस के अंदर, स्टेट वाइज प्रायोरिटी दे दो। ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, जिस स्टेट में रहना चाहते हो, जिसमें आप थोड़ा सा अच्छा फील करते हो, वो एम्स ले सकते हो इसके अंदर, अदरवाइज ये भी भर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट। नाउ एम्स के बाद में आप देखिए टॉप 4 मेडिकल कॉलेजेस ऑफ योर स्टेट, पहला निकल गया, टॉप 5 थे उसमें पहला तो आपने यहां रख दिया, अब बच गए टॉप 4। तो टॉप 4 जो भी हैं उनको फिर आप इन एम्स के बाद में उन्हीं की प्रायोरिटी में दें। टॉप 4 की भी प्रायोरिटी होगी ना, तो लास्ट ईयर 2019 का डेटा देखो, उन टॉप 4 के अंदर कौन सा अच्छा क्लोजिंग रैंक है, देन उसके बाद कौन, देन उसके बाद कौन, देन उसके बाद ज्यादा रैंक में कौन क्लोज हुआ, इस प्रायोरिटी के अंदर इनको रख दें यहां पे, करेक्ट हो गया। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि टॉप 4 को रखना है आपके स्टेट वालों को, उसके बाद में आपको किस पे तरफ मूव करना है, ऑल इंडिया कोटा के अंदर जो ऑल इंडिया में जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं उनको बाद में भरना है। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि भले ही आपके स्टेट के 4 कॉलेजेस से बहुत अच्छे कॉलेजेस ऑल इंडिया के अंदर पड़े हुए होंगे आपके पास में, बट आपको आपके स्टेट के कॉलेजेस को पहले प्रायोरिटी देनी है बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन इन पोस्ट ग्रेजुएशन। आपका डोमिसाइल वहां का रहेगा और आप वहां से बिलोंग करते रहोगे तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर ज्यादा क्या रहेगा, फायदा मिलेगा। इसलिए आपके स्टेट के कॉलेजेस को प्रायोरिटी दो और देन फिर ऑल इंडिया की तरफ में मूव कर जाओ जाकर के। अब बढ़िया कॉलेज, अब ये नहीं मिल रहे ना, ये नहीं मिल रहे तो फिर ऑप्शन नहीं रहा, ऑप्शन नहीं रहा तो फिर आप क्या कर सकते हो, इनके अंदर आप जा सकते हो, करेक्ट। और अगर जिनके पास ऑप्शन है इनको लेने का भी और इनको लेने का भी, तो आपको पहले बोल देता हूं कि आपके स्टेट को पहले प्रायोरिटी देना एंड देन फिर इसको देना, करेक्ट है या नहीं है, करेक्ट। चलो जी, अब ये टॉप 20 मेडिकल कॉलेज जो है वो छोड़ देना, कहां तक, वीएमएमसी, मैमसी, यूसीएमएस, एलएचएमसी, केजीएमयू, ये भी ऑल इंडिया के टॉप कॉलेजेस ही तो हैं। इनको छोड़ के जो बाकी 20 कॉलेजेस आपके रह गए हैं उनको 2019 का डेटा ट्रेस करना राउंड 2 काउंसलिंग का, और जिसमें जिसकी जो बढ़िया बढ़िया रैंक है उसी प्रायोरिटी के अंदर उसको रख देना, बढ़िया से ज्यादा रैंक तक, ठीक है। टॉप 20 मेडिकल कॉलेज ऐसे रख दिया ऑल इंडिया के, देन उसके बाद में आपको बाकी बचे हुए एम्स के अंदर जाना है। मैंने आपको पहले कह देता हूं कि मैंने अच्छे ऑल इंडिया के कॉलेजेस को जो ओल्ड हैं, पुराने होते हैं वो अच्छे होते हैं, उनमें ओपीडी होती है, उनके अंदर हॉस्पिटल में अच्छा वर्क होता है, आपको सीखने को ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू रादर देन ये नए बने हुए एम्स, ठीक है। नो डाउट पीजी में कोटा होता है यहाँ पर, बट इनके अंदर भी आप करोगे तो आपको 50% कोटा तो मिल ही जाएगा। अभी क्या पता पीजी इनमें आएगा या नहीं आएगा, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन कब स्टार्ट होगा, आप सिर्फ एम्स के पीछे मत भागिए, है ना। तो आप इनके अंदर जाइए पहले, देन फिर अगर ये नहीं मिल रहे हैं तो फिर आपको इन एम्स के अंदर मिल जाएगा, तो जब तक आप डिग्री करोगे क्या पता अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब ये नहीं मिल रहे हैं तब की बात है, इसके ऊपर प्रायोरिटी इनको देनी है, देन फिर इन रेस्ट एम्स को इसी प्रायोरिटी में रखना है। ये जो प्रायोरिटी मैंने रखी है ना वही प्रायोरिटी आपको रखनी है रेस्ट एम्स की, करेक्ट। उसके बाद 19 नंबर प्रायोरिटी पे देखो स्टेट के जो रेस्ट कॉलेजेस बच गए। अब किसी स्टेट के अंदर 2 ही कॉलेज होंगे, 3 ही कॉलेज होंगे, वो तो यही खत्म हो गए। किसी में मान लो 10 है, 12 है, 15 है या नहीं है, मान लो ऑल इंडिया से मान लो टोटल कॉलेजेस जो है 7-8 है, तो यहाँ तो 5 तो खत्म हो ही गए, बाकी 3 रह गए ना, बाकी 3 को फिर यहाँ पे रखना है, इनके प्रायोरिटी पहले देना है, देन बचे हुए स्टेट के जो कॉलेजेस हैं जो ठीक ठाक ही हैं उनको यहाँ पे प्रायोरिटी दे देना है, ठीक है। क्या पता कि आपके बेकार स्टेट के कॉलेज को अगर आप प्रायोरिटी दे देंगे तो इनको मिस कर जाएंगे ना अच्छे वालों को, है ना। तो बेकार वालों को फिर क्या करो, इन अच्छों को ऊपर रखो। एम्स तो खैर अच्छा है ही, अच्छा इन द सेंस, अच्छा इन द सेंस पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो सकता है, अदरवाइज इंस्टीट्यूशन के वाइज तो नॉर्मली ही है। फिर यहाँ पे प्रायोरिटी देने के बाद में आपके रेस्ट जो कॉलेजेस हैं उनको यहाँ प्रायोरिटी दे दो, करेक्ट।
उसके बाद ये 20 नंबर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो मीडियोकर रैंक वाले हैं यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होंगे। अब मैंने यहाँ पे लिखा तो इनके लिए क्या है, रेस्ट ऑल इंडिया कॉलेजेस, और ये भी 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग उनको देखना है। अब आप क्या करोगे, 2019 का डेटा देखोगे, जैसे राजस्थान का कोई कैंडिडेट है, उसको अगर मान लो मीडियोकर रैंक है, अब वो लास्ट में आ रहा है, उसको पता है कि यार मुझे यहीं पर ही 20 नंबर के प्रायोरिटी में ही कॉलेज मिलेगा, तो फिर वो क्या करेगा, वो देखेगा कि कौन सा स्टेट अच्छा है, वहां की फीस कौन सी अच्छी है। उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो दिया था, याद हो तो, 8,000 से 12,618 रैंक तक जो भी कॉलेजेस उठे थे, जो भी पर स्टेट वाइज मेंशन किए मैंने वहां पे, और फीस भी मैंने सामने रखी है, वो बात अलग है कि मैंने वहां पे अनरिजर्व कैटेगरी को मेंशन किया है ओनली, ठीक है। तो उससे आपको कॉलेज का तो पता लग ही जाएगा ना अनरिजर्व कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक से, तो वहां पर उस प्रायोरिटी को आप यहां भर सकते हो। बट इसमें एक फैक्टर और ऐड करना है, वो क्या कि यहां पर अब चलेगी चॉइस कि सर वेस्ट बंगाल का एक कॉलेज है वो अच्छे रैंक पे उठा है और महाराष्ट्र का एक कॉलेज है जो उससे थोड़ी हल्की रैंक पे उठा है, बाद में वाली रैंक वाले पे उठा है, तो मैं जाना चाहता हूँ महाराष्ट्र क्योंकि मेरा वहां पे कुछ रिलेशन भी है या फिर मुझे क्लाइमेट जोन थोड़ा अच्छा लगता है, मैं वहां सर्वाइव कर लूंगा भले ही वो कॉलेज बाद में है। तो आपकी इन सभी चीजों की वजह से आप उसको क्या कर सकते हो, उसको पहले रख सकते हो, यस और नो। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप उस प्रायोरिटी ऑर्डर को ध्यान में रखें, और जो मैंने आपको बताया है, जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है, उस स्क्रीनशॉट को देखते रहें और उसी के हिसाब से चॉइस पे लिंक कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे दोस्तों। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें लिखिए, उसकी क्वेरीज के लिए हम आपके लिए सदैव तैयार रहेंगे। थैंक यू।